सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स आने के बाद आपके प्रोफाइल में क्यों नहीं शो होते हैं, क्यों नहीं बढ़ते हैं। मैं एक सब्सक्राइबर्स का अकाउंट यहां पे लॉगिन कर रखा हूं, जो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज देखने को मिला था कि भाई हमारे अकाउंट में इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। हमारा यहां पे अकाउंट चेक कर सकते हो, आपको यहां पे ज़्यादा फॉलोअर्स देखने को मिल जाएंगे। यहां पे आप देख पा रहे हो भाई के फॉलोअर्स कितने सारे इंक्रीज हैं, क्योंकि यहां पे जो रील्स होता है वायरल हो जाता है, तो आपको भी इंस्टाग्राम के ऊपर अनलिमिटेड फॉलोअर्स आते हैं। हर एक मिनट पर आपको फॉलोअर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जब आपका रील्स वायरल चला जाता है। लेकिन आपके इंस्टा अकाउंट में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपके फॉलोअर्स आने के बाद भी यहाँ पे शो नहीं होता है। फॉलोअर्स आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जम जाता है, फॉलोअर्स बढ़ता नहीं है। आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ये जो नंबर है यहाँ पे ऐड नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ पे आ जाना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे 3 बार पर क्लिक करके अपना यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, नीचे की साइड स्क्रॉल करके, कि आपको कोई कॉमेंट्री गाइडलाइंस तो नहीं पड़ी है, कोई स्ट्राइक तो आपके इंस्टाग्राम पे नहीं आया है। आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। कहाँ से चेक होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट स्टेटस लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, अकाउंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप नीचे आओगे तो वहाँ पे अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेना आपको कोई रिमूव कॉन्टेंट प्रॉब्लम या फिर व्हाट कांट बी रिकमेंडेड, इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में। कुछ आपको एरर तो नहीं शो हो रहा है, ग्रीन लाइन में टिक होना चाहिए। अगर आपका येलो कलर में टिक है, आपका एरर है, आपके यहाँ पे रिमूव कॉन्टेंट है, कोई आपने गलती कर रखी है, तो आपका रिमूव कॉन्टेंट प्रॉब्लम आ गया है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपके इंस्टाग्राम पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। फॉलोअर्स यहाँ पे ड्रॉप होने लगते हैं, आपके जितने भी फॉलोअर्स यहाँ पे रहते हैं एक एक करके फॉलोअर्स घटने भी लगते हैं, और फॉलोअर्स आता है लेकिन फॉलोअर्स आपका बढ़ता भी नहीं है। अगर आपका यहाँ पे कोई स्ट्राइक पड़ा हुआ है तो उसको पहले आपको चेकआउट करना है। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आपको उसको जरूर से देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे कॉमेंट्री गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं आई है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में, आपका कोई रिमूव कॉन्टेंट प्रॉब्लम भी नहीं है, तो अगर आपका इस तरह से इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स आने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है, देन आपको यहाँ पे सर्च बार में आना है, इंस्टाग्राम को आपको सर्च कर लेना है। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आपको अपडेट मांगेगा, तो आपको एक बार अपडेट कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि फाइनली मुझे यहाँ पे अपडेट मांग रहा है मेरा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे अपडेट कंप्लीट कर लेता हूँ, आपको भी अपडेट कंप्लीट कर लेना है। अपडेट कंप्लीट होते ही गाइज आपको यहाँ से आ जाना है बैक। अब यहाँ से आपको आना है मोबाइल का जो सेटिंग होता है फोन की, आपको वहाँ पे ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन या फिर ऐप्स लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज इंस्टाग्राम को आपको ढूंढ लेना है यहाँ पर, या फिर सर्च भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना यहाँ पे क्लिक करके। अब जैसे ही क्लिक करते हो गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। सबसे पहले फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे ओके करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टोरेज एंड कैच लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड आपको पता है तो आपको क्लियर स्टोरेज कर देना है, डिलीट कर देना है अपने डाटा को यहाँ पे इंस्टाग्राम से। अगर आपका यहाँ पे क्लियर स्टोरेज आप करते हो तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लियर कैच करते हो तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग आउट नहीं होगा। तो हम तो कहते हैं गाइज अगर आपको इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता है, अपनी आईडी का पासवर्ड जानते हो, तो आपको क्लियर स्टोरेज भी कर लेना है। अब यहाँ से इस तरह से करने के बाद गाइज आपको आ जाना है बैक, यहाँ से आपको होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। सो जैसे इंस्टाग्राम को ओपन करते हो आपको प्रोफाइल में आना है, आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइज आपको फिर से प्रोफाइल पर आकर के आपको यहाँ पे 3 बार पर क्लिक कर देना है, जो आपको 3 बार ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा हेल्प लिखा हुआ, तो आपको एक छोटा सा अपील लिखना है, इंस्टाग्राम टीम को भेजना है अपने इंस्टाग्राम बारे में जो आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको हेल्प पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर क्लिक कर लेना। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेव फोन टू रिपोर्ट, इसको आपको ऑफ करके रखना है, काफ़ी लोग इसको ऑन कर लेते हैं, तो आपको ऑफ करना है। रिपोर्ट प्रॉब्लम पर आपको क्लिक करना है एक बार, और उसके बाद आपके सामने इंक्लूड एंड कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा। क्लिक करते ही गाइज आपके सामने कुछ ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे स्क्रीनशॉट को हटा देना है, यहां से कट कर देना है, क्योंकि पहले से स्क्रीनशॉट यहां पे सबमिट हो जाता है, तो इसको आपको कट कर देना है। ओके, अब यहां पे अपलोड पर क्लिक करके जो आपने स्क्रीनशॉट लिया प्रोफाइल का, आपको यहां पे फिलअप कर देना है, यानी कि सबमिट कर देना है। अब यहां पे आपको कुछ टाइपिंग करना है, कुछ आपको अपील करना है, जो भी मैसेज भेजना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करा दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में आप देख करके लिख सकते हो, या फिर आप यहां पे इस तरह से पेस्ट भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं।
सो गाइज कुछ इस तरह से आपको टाइपिंग कर देना है, इस तरह से मैसेज लिख लेना है, उसके बाद आपको नीचे अपना यूजर नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड आइकन टॉप कॉर्नर पर, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही गाइज आपको वेट करना है 24 आवर्स आपको इंस्टाग्राम से यहाँ पे लॉग आउट हो जाना है, इंस्टाग्राम आईडी को लॉग आउट कर देना है आपको, 24 आवर्स अपनी आईडी को यहाँ पे रेस्ट देना है, आपको यूज नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे स्ट्राइक नहीं आया है, रिमूव कंटेंट प्रॉब्लम नहीं है, तो बस आपको इस तरह से अपील कर लेना है और वेट करना है 24 आवर्स 48 आवर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना, अपनी आईडी को लॉगिन करना, और यहाँ पर आप अपना रील्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ गाइज, आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें।